नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं बात अपने देश की। दोस्तों, हर दिन हर नए विशेष मुद्दे के साथ मैं आपके बीच आता हूं और ऐसे मुद्दे की बात करता हूं जिसका सीधा सरोकार जनता से है, हमारे देश से है, क्योंकि देश से सर्वोपरि होता है। दोस्तों, आज का जो हमारा मुद्दा है वो एक ऐसे मुद्दे पर है जिसका समाधान सदियों से चला आ रहा है, पर समाधान आज तक नहीं हुआ। एक ऐसा मुद्दा है जिसका सीधा संबंध आम जनता से है। दोस्तों, कोरोना काल में जब लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान थे, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तब तक तमाम तरह के प्रयास किए गए। ऑक्सीजन सेंटर्स से लेके तमाम व्यवस्थाएं की गई। उसके बाद कोरोना की दूसरी महामारी के बाद भी हमारे देश का स्वास्थ्य विभाग लगातार इस तरह के प्रयासों में लगा है कि अगर कोरोना की तीसरी लहर भी आती है तो हमारे पास स्वास्थ्य के संबंधित इंतजाम बहुत बेहतर हों, लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या ना हो, लोगों को श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद हों। इसके लिए पूरे देश में लगातार ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी लगातार इसका प्रयास चल रहा है, होना भी चाहिए, सबसे बड़ी आबादी है और इस आबादी में सबसे ज़्यादा विभिषिका भी कोरोना के समय में रही। पर सबसे बड़ी बात है कि वो बात कोरोना की थी, पर इसके बावजूद कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसी बात हैं जिनसे जनता परेशान है और उन कारणों से जनता की मौत हो रही है, आम जन की हानि हो रही है। ऐसा एक मुद्दा है, वो है प्रदूषण, जो ऐसा मुद्दा है जिसका इलाज आज तक केवल केवल कागजों में हुआ है। सरकार प्रयास करती है, कोशिशें करती है, पर मामला वही होता है, ढाक के तीन पात। और लगातार इस मुद्दे पर ना विपक्ष जिंदा होता है, सत्ता पक्ष अपनी कोशिशों को अंजाम देती है, पर खामियाजा भुगतती है तो भुगतती है देश की जनता, क्योंकि जनता जनार्दन होती है, पर यहां के जनता का जनार्दन होने का अर्थ खत्म हो जाता है। ना किसी सरकार को जनता से मतलब रहता है और ना विपक्ष को जनता से मतलब रहता है। विपक्ष और जनता की बातें केवल और केवल सत्ता के उन तीन बातों पर निर्भर रहती है, रोटी कपड़ा और मकान। पर इन चीजों के बीच हम एक चीज भूल जाते हैं, वो है आम आदमी की सांस लेने की समस्या, सांस लेने की क्षमता, सांस लेने की वायु। आज देश उन वायु प्रदूषण के उन मुकामों पर है, उन मानकों पर है जहां पर आदमी जहरीली वायु को ले रहा है और आदमी इन सांस लेने की समस्याओं से ग्रसित हो चुका है, जिसका खामियाजा मैं आपको बता दूं कि अगर कोरोना के समय में दिल्ली में 25,000 लोगों की मौत हुई थी तो ऑक्सीजन की कमी और खराब गुणवत्ता वायु के कारण दिल्ली में 50,000 लोगों की मौत हो चुकी है, क्योंकि दिल्ली की जो हवा है वो जहरीली है। देखते हैं मेरी इस पे एक रिपोर्ट। अमूनन देखा जाता है कि हमारे देश में तमाम कानून बनाए जाते हैं और कई तरह के आदेश दिए जाते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हो या कानून व्यवस्था को लेकर या फिर जन संबंधी मुद्दों को लेकर। पर अभी भी कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर सिर्फ और सिर्फ आदेश दिए जाते हैं। उनके ऊपर अनुपालन में ना तो सरकार कोई रुचि लेती है, ना ही उस विभाग से जुड़े जिम्मेदार, और ले भी क्यों, जब सरकार को ही जनता के स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं तो ऊंची ऊंची कुर्सी पर बैठे जिम्मेदार कोई दिलचस्पी क्यों लेंगे। खैर कुछ भी हो, इन सब के बीच परेशानी कौन झेलता है, वो है हमारे देश की जनता। वो जनता जो सुविधाओं के लिए सरकार को लगातार टैक्स देकर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करती है, पर उसको मिलने वाली सुविधाओं का क्या। अगर
अगर हम विश्व के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की बात करें तो बांग्लादेश पाकिस्तान के बाद तीसरे नंबर पर भारत का ही नाम आता है। पूरे विश्व में तीसरा सबसे प्रदूषित देश है भारत, उसके बाद मंगोलिया, अफगानिस्तान, ओमान, कतर जैसे देश हैं। वहीं अगर हम सबसे प्रदूषित शहरों की बात करें तो विश्व के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 3 शहर शामिल हैं। देश के दिल्ली, कलकत्ता और मुंबई जैसे महानगर इस लिस्ट में शामिल हैं। दरअसल प्रदूषण ऐसा जहर है जिसका सीधा असर देखना मुश्किल होता है, लेकिन हमने कुछ केस के आधार पर बताया है कि ये कितना खतरनाक है और अब इसी खतरे को एक रिसर्च से समझाते हैं। आपने कोरोना की दूसरी लहर आने पर देश में मौत का तांडव देखा था, लेकिन आप ये देख नहीं पाए कि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना से ज्यादा जहरीली हवा का तांडव था। ग्रीन पीस और ग्लोबल कैंपेनिंग ग्रुप की एक ताजा रिपोर्ट बता रही है कि दिल्ली में 2020 में वायु प्रदूषण से 54,000 लोगों की मौतें हुई। जबकि कोरोना के 20 महीने के दौरान उसकी आधी से भी कम 25,000 मौतें हुई। मतलब दिल्ली में कोरोना से दुगनी मौतें सिर्फ वायु प्रदूषण से हुई हैं। इसके साथ ही 60,000 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान भी हुआ। गौरतलब है कि ये आंकड़े उस वक्त के हैं जब पूरा देश लॉकडाउन में था और जिन राज्यों में धुंध छाया रहता था वहां नीला आसमान दिख रहा था, लेकिन अब दिल्ली की ही एक चौंकाने वाली रिपोर्ट की ओर लौटते हैं जो ग्रीन टैक्स से जुड़ा हुआ है। ये टैक्स इसलिए लिया जाता है कि सरकार की रकम पर्यावरण पर खर्च कर सके, वातावरण को साफ सुथरा रख सके, लेकिन जनता के ग्रीन टैक्स के पैसे का क्या हुआ? दिल्ली वाले पर्यावरण के नाम पर दिल्ली सरकार को पिछले 7 सालों में करीब 1450 करोड़ का टैक्स दे चुके हैं, लेकिन इसके बदले में उन्हें केवल दम घोटने वाला प्रदूषण ही नसीब हुआ है। दिल्ली सरकार ने ग्रीन टैक्स के रूप में पिछले 7 सालों में कुल 1,439.65 करोड़ रुपए की वसूली की है। टैक्स गाड़ियों की खरीद, दिल्ली के बाहर से आने वाली गाड़ियों से टैक्स के रूप में, पेट्रोल उत्पादों की बिक्री से और राजधानी में चल रही निर्माण इकाइयों से लिया गया। नियमों के मुताबिक इसका उपयोग पर्यावरण को साफ रखने के लिए किया जाना चाहिए था। मतलब आपके खून पैसे की कमाई का एक हिस्सा जो टैक्स के तौर पर भी वसूली गई, बदले में ये भरोसा दिया गया कि पाई पाई का इस्तेमाल पर्यावरण के लिए होगा। लेकिन हुआ क्या, ये जानकर आप दंग रह जाएंगे। हम आपको हकीकत बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए ये जानकारी किसने निकाली है। आरटीआई लगाई गई थी जिसमें दिल्ली सरकार के ग्रीन टैक्स के रूप में पिछले 6 सालों में 1,439 करोड़ रुपए वसूलने की बात सामने आई। अगर हम बात उत्तर प्रदेश की करें तो मौसम की करवट का असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। ठंड की आहट के साथ ही प्रदूषण का स्तर भी अब चिंता पैदा करने लगा है। प्रदेश के कई शहरों में प्रदूषण का स्तर कई गुना बढ़ चुका है।
देश की राजधानी दिल्ली से सटे इलाकों के साथ ही लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर जैसे शहरों में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI हानिकारक स्तर पर पहुंच गया है। पर सबसे बड़ी बात है कि तमाम आदेशों के बावजूद जनता जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है। अभी हफ्ते भर पहले जब सुप्रीम कोर्ट लगातार सरकार से इस वायु प्रदूषण पर सवाल पूछ रहा था, तब 3 दिन पहले केंद्र सरकार द्वारा 40 विशेष दल बनाकर इसको रोकने की या कम करने की बात कही गई और कहा गया कि इसमें से 17 भी बना दिए गए हैं। पर ये दल कब काम करता है, कैसे रोकेगा और क्या कार्य योजना रहेगी, इसकी पूर्ण रूप से अभी तक कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है। तो दोस्तों, आपने रिपोर्ट देखी किस तरह से जनता अपनी कमाई का गाढ़ा हिस्सा टैक्स के रूप में देती है, और ये टैक्स केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, ये टैक्स अलग अलग राज्यों में जनता से लिया जाता है। दोस्तों, टैक्स क्या होता है? टैक्स इसलिए होता है कि जनता को सुविधा मिले, व्यवस्थाएं मिले, जो कमियां सिस्टम में है उसको सुधारा जा सके, चाहे वायु की बात हो, चाहे जल की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, और ऐसी तमाम जन सुविधाएं हैं उसके लिए टैक्स सरकार लेती है, इंफ्रा को मजबूत करने को लेके, सुविधाओं को बेहतर करने के लेके, व्यवस्था को मजबूत करने के। पर जब टैक्स लेते हैं उसके बाद जनता को क्या मिलता है? हम लगातार बात करते हैं प्रदूषण कम हो रहा है, कहां कम हो रहा है, कारण क्या है प्रदूषण के, हम क्यों फैक्ट्रियों को ऐसी जगह शिफ्ट नहीं कर पाते हैं आम आबादी से कि प्रदूषण का स्तर कम हो, हम क्यों ऐसी तकनीक यूज नहीं करते हैं जिससे आबादी कम हो, हम ऐसे क्यों उन्नत उपकरण उपयोग नहीं करते हैं, ऐसे क्यों रसायन उपयोग नहीं करते हैं जिससे कि फैक्ट्रियों में जो अपशिष्ट निकले, पदार्थ निकले, धुआं निकले, वो हमारे वायु प्रदूषण को ना बढ़ाए, वायु की गुणवत्ता को प्रभावित ना करे। हम क्यों बात लगातार करते हैं ई वाहनों की, ई वाहनों में कहाँ तक काम हो रहा है, CNG की बात करते हैं कि CNG स्टेशन लगाए गए हैं, कितने CNG लगाए जाते हैं, कितनी CNG गाड़ी निकाली जाती हैं। आज भी देश में 15 से 20 साल पुराने वाहन चल रहे हैं, कोई रोकधाम नहीं। जब हम उसकी जड़ को ही नहीं रोकेंगे तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वायु का प्रदूषण कम हो जाएगा। ठंड की बात करें, ठंड में हमेशा बढ़ता है, पराली भी जलाई जाती है जो कि हवा के माध्यम से प्रदूषण बढ़ाती है, पर इनके अलग एक कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि 11 महीने चलती हैं, वो चलती है फैक्ट्रियों का धुआं, वो चलती है पुरानी गाड़ियां, उनसे निकलने वाला धुआं, वो गाड़ियां जिनको डिस्पोज होना चाहिए वो सड़कों पर दौड़ रही हैं, प्लास्टिक जलाई जाती है कोई पूछने वाला नहीं है, AC में क्लोरो निकलता है वो भी नुकसान दे रहा है। तमाम ऐसे कारण हैं जो प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं, पर उन कारणों को कौन रोकेगा, ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी शासन की है, नीतियों की है, समीक्षाओं की है। जब तक हम समीक्षा नहीं करेंगे, उन कारणों को उनकी जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वायु प्रदूषण का जो स्तर लगातार बढ़ रहा है ये कम होगा। दोस्तों, वायु प्रदूषण की जो एक हद होती है, कहा जाता है कि 170, 180, 200 से अंदर जो हवा होती है वो सांस लेने योग्य है, वो ठीक है, पर अमूनन देखा जाता है जिस तरह से हवा लगातार जहरीली हो रही है, 300, 350, 400, 500, 600,
यानी जो गुणवत्ता हवा हमको 200 से नीचे मिलनी चाहिए वो 600 पहुंच जाती है। मैं राजधानी दिल्ली की बात करूंगा, 600 पहुंच गया एक UI। तब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया कि वहां के स्कूल वहां के कॉलेज बंद कराए जाए और वर्क फ्रॉम होम की प्रथा जो कोरोना काल में समय हुई थी उसको दोबारा शुरू किया जाए। पर ऐसा नहीं होता, जितने वायु प्रदूषण के निर्धारक मानक हैं सब बेअसर हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को कोई नहीं सुनना चाहता, अवहेलना होती है। नुकसान कौन भुगतती है? जनता। जनता का आज के समय में सांस लेना दूभर हो चुका दोस्तों। पर सबसे बड़ी बात यह है, कब इस मामले से जुड़े जिम्मेदार जागेंगे? उत्तर प्रदेश की बात कर लें, उत्तर प्रदेश के 3 से 4 शहर आज विश्व के 25 सबसे प्रदूषित शहरों में एक है। आज अगर हम बात करें तो भारत के लगभग 6 से 7 शहर हैं जो कि 25 प्रदूषित शहरों की सूची में हैं। आज भारत तीसरे नंबर पर है प्रदूषित देशों की सूची में। बांग्लादेश नंबर 1 पर है, पाकिस्तान नंबर 2 पे है और भारत नंबर 3 पे है। क्या कहेंगे, क्या विकसित हो रहे हैं इसलिए हमारा प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है? तो हम अगर अपनी तुलना अन्य देशों से करें, चाहे यूरोप से करें, चाहे अमेरिका से करें, चाहे रूस से करें, चाहे चीन से करें, चाहे जापान से करें, वहां का प्रदूषण का स्तर आप देखिए किस तरह से वहां पर प्रदूषण को रोका गया है। पर वो व्यवस्था यहां पर क्यों लागू नहीं हो पाई? अब तक क्यों जो इसके जिम्मेदार हैं वो अब तक सो रहे हैं? क्यों वो व्यवस्था नहीं लागू नहीं की गई कि जिससे कि आम जनता एक अच्छी वायु में सांस ले सके? किस चीज का इंतजार करते हैं? क्यों ई वाहन को प्रमोट नहीं करते हैं? क्यों CNG स्टेशन नहीं बढ़ाते हैं? क्यों पुरानी 15 से 20 साल पुरानी गाड़ियों पर पेट्रोल नहीं लगता है? और लगता भी है तो लगने के बाद छूट जाती है और सड़क पर फिर चलने लगती है और इसका खामियाजा भुगतती है जनता। और दोस्तों यह स्थिति केवल दिल्ली में नहीं है, यह स्थिति पूरे देश में लागू है। पूरे देश में यही स्थिति चल रही है। आज जनता परेशान है और मजबूरी में खराब वायु में सांस ले रही है, जिसका खामियाजा उसकी श्वसन प्रणाली पे भी होता है और साथ ही साथ जो बच्चे हैं उन पर भी हो रहा है। जो अभी अभी जन्मे हैं, जो नौनिहाल, जो देश का भविष्य है, वो भी एक खराब वायु में सांस लेकर उनका श्वसन तंत्र भी प्रभावित होता है और जिसका खामियाजा उनको अपनी उम्र के अन्य जो दहलीज है, चाहे जवानी की बात हो चाहे बुढ़ापे की बात हो, सब जगह भुगतना पड़ता है। जब शुरुआत ही खराब हो गई तो फिर परिणाम खराब ही होंगे। पर सबसे बड़ी बात यह है कि इसके जिम्मेदार कब जागेंगे? अपने आप को बहुत बेहतर दिखाने के चक्कर में दिल्ली में क्या हालत है वो केजरीवाल के मंत्री बेहतर जानते हैं। क्यों वहां पर बंद कर दिए गए स्कूल? जवाब किसी को नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ कि वहां की हवा सांस लेने योग्य नहीं है, इसलिए स्कूलों पर ताला लगाइए, स्कूल बंद करिए। दोस्तों तब स्कूल बंद किए गए जब कोरोना नहीं है, कोई लहर अभी फिलहाल नहीं आई है। ये स्कूल बंद किए गए हैं केवल खराब गुणवत्ता वायु कारण, यानी कि वहां का जो AQI था वो 500 से ऊपर जा चुका था, लगातार जा रहा था, धुंध थी बादलों में, वायु खराब हो चुकी थी, जहरीली हो चुकी थी। इसके कारण वहां के स्कूलों को बंद कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। पर सबसे बड़ी बात है, क्या स्थिति केवल दिल्ली तक सीमित है? नहीं, अभी हाल के बता दूं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी सचूती नहीं है। यहां भी 350 से 400 AQI अभुनत देखा जा सकता है, चाहे यहां के इंडस्ट्रियल एरिया ऐसबाग की बात करें, चाहे अलीगंज की बात करें, चाहे गोमती नगर की बात करें, तमाम ऐसी जगह है जहां पर AQI 350 से 400 के बीच में रहता है, कोई सुनने वाला नहीं है। केवल मैच फॉगिंग करके, व्यवस्था करके आप उस सिस्टम को, इस प्रदूषण को कम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपके इसकी जड़ तक जाना होगा। जब तक इसकी जड़ तक नहीं जाएंगे, जब तक इसके कारणों तक नहीं जाएंगे, तब तक इस प्रदूषण को कम करना आम आदमी की बस की बात नहीं है। किसी भी आदेश, चाहे सुप्रीम कोर्ट आदेश दे, चाहे हाई कोर्ट आदेश दे, केवल कोर्ट आदेश दे सकता है, आपको जन संबंधी मुद्दों पर संज्ञान दिला सकता है, पर काम करना पड़ेगा जिम्मेदार को, काम करना पड़ेगा शासन को, प्रणाली बनानी पड़ेगी, समीक्षा करनी पड़ेगी, नीति करनी पड़ेगी। औद्योगिक एरियो में आपको बताना पड़ेगा कि आपको शहर से दूर जाना है, आपको ऐसे मानक बनाने पड़ेंगे कि आपको ऐसे उपकरण, ऐसी डिवाइस, ऐसे तकनीक उपयोग करनी पड़ेगी जिससे कि उत्सर्जन, कार्बन उत्सर्जन और तमाम जहरीला धुआं कम से कम निकले। आपको ऐसे वाहन उपयोग करने पड़ेंगे जिनसे कम से कम उत्सर्जन हो। आपको ई वाहनों को प्रमोट करना पड़ेगा। आप देखिए ना कितने शहरों में ई वाहन है, कितने चल रहे हैं,
कितनी सीएनजी चल रही है, राजधानी लखनऊ में कितने स्टेशन हैं, कितनी ई बसें चल रही हैं, किसी को नहीं पता। जिम्मेदार सो रहे हैं, सरकार अपनी कामों को बता रही है कैसे काम करना और नीतियां बना रही है, विपक्ष रैलियां कर रहा है, केवल और केवल जनता के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, पर जनता का असली मुद्दा जो खराब वायु में सांस लेना है वो मुद्दे का क्या? केवल मुद्दे केवल रोटी कपड़ा और मकान तक सीमित रहेंगे या हर उस मुद्दे की बात की जाएगी जिसका सीधा सरोकार आम जनता से है? कौन करेगा मुद्दों की बात? अभी तक समझ में नहीं आया। पर सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए प्रणाली कब बनाई जाएगी, व्यवस्थाएं कब बनाई जाएंगी, वो नीतियां कब लागू होंगी कि आम जनता इस जो समस्या है जो हमारे देश में सालों से चली आ रही, दशकों से चली आ रही है, ये समस्या दोस्तों आज की नहीं है, प्रदूषण की समस्या आज की नहीं है, प्रदूषण की समस्या दशकों की है, ठीक है? क्योंकि जिस तरह से आज आम जनता इस समस्या से परेशान है, इससे स्पष्ट होता है कि जनता का समाधान, इस मुद्दे का समाधान करना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, जब हमारे देश में वाहन नहीं होते थे तब ये समस्या नहीं थी, जैसे जैसे देश तकनीक रूप से आगे बढ़ा वैसे वैसे वाहन बढ़े। आज हर इंसान के पास अमूनन निजी वाहन होता है, चाहे बाइक हो, चाहे कार हो, या अन्य वाहन हो, चाहे कमर्शियल वाहन हो, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था चलती भी नहीं से है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि इन कमर्शियल वाहनों में हम उन वाहनों का उपयोग क्यों नहीं करना चाहते हैं जो हमारे प्रदूषण को ना बढ़ाए, जो हमारी वायु गुणवत्ता को खराब ना करे, जो हमारे श्वसन तंत्र को दिक्कत ना दे। सरकार को भी ऐसे प्रयास करने होंगे कि जो 15 से 20 साल की जो वाहन है, पुराने वाहन है, उनको पूरी तरह से रोड से हटाना होगा। साथ ही साथ औद्योगिक जो इकाइयां हैं उनको बताना होगा कि किस तरह से आप इस अपने कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकते हैं, किस तरह से हमको पराली जो जलाने वाली जो घटनाएं होती हैं, जो मामले होते हैं, इसको कम किया जाए, किस तरह से जो सोलर व्यवस्था है उसको प्रोन्नत यानी बढ़ाया जाए, उनको प्रोन्नत किया जाए, जिससे कि आम जनता समझ पाए कि सरकार कोई काम कर रही है। भाई आम जनता से भी मेरा प्रश्न रहेगा कि उनको भी ऐसे वाहनों को उपयोग करना चाहिए जिससे कम से कम धुआं निकले। गाड़ी की सर्विस नहीं होती तो भी काला धुआं छोड़ती है, कोई नहीं देखता है। सामने वाला आदमी धुएं से ग्रसित हो रहा है, उसकी सांस में दिक्कत हो रही है, किसी को मतलब नहीं है, गाड़ी चलाए चले जा रहे हैं। अगर सरकार कहीं दोषी है तो कहीं जनता भी दोषी है। पर जनता पर भी लगाम लगाना, जनता पर भी अपनी नीतियां बताना और जनता को भी एक मापदंड सिखाना भी सरकार की नैतिक और जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार ही बताएगी क्या नीतियां हैं और सरकार ही बताएगी कि क्या समीक्षाएं हैं और सरकार ही वो नियम और वो कानून लागू करेगी जिससे कि आम जनता एक बेहतर वायु में, स्वच्छ वायु में सांस ले सके। तो जिम्मेदारों को जागना पड़ेगा। मैं अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के तमाम जिम्मेदारों से पूछना चाहता हूं कि कब तक इन बातों पर ध्यान होगा, कब तक आप नींद से उठेंगे, कब तक निर्माण संबंधी जो चीजें हैं उनको एक गाइडलाइंस बनाई जाएगी, कब तक स्मोगिंग होगी, कब तक उन तमाम प्रणालियों का उपयोग किया जाएगा जिससे वायु प्रदूषण को रोका जा सकेगा, क्योंकि स्कूल बंद करना कोई उपाय नहीं है। हम शिक्षण प्रणाली को रोक कर कोई बहुत बड़ा काम करने नहीं जा रहे हैं, वो एहतियातन कोरोना में रोके गए थे, पर इसको व्यवस्था में बनाना कि अगर इसको एक यू जाना चला गया इसको रोकना है, ये गलत होगा देश के नौनिहालों के साथ और देश के भविष्य के साथ। तो साथ ही साथ इसके लिए जिम्मेदार जो सरकार है, जो शासन है, उनके अधिकारी हैं, उनके जो जिम्मेदार ऊंची कुर्सी पर बैठे बैठे लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि इस प्रदूषण को कम करने में अपनी व्यवस्था मजबूत करें, नीतियां बनाएं और समीक्षा के साथ साथ ऐसे नियम कानून बनाएं जिससे इस तरह की जो प्रदूषण उसको रोका जा सके। साथ ही साथ जनता से भी अपील रहेगी कि इस तरह की डिवाइस, इस तरह की गाड़ियों का उपयोग करें कि कम से कम प्रदूषण इस वायु में फैले और आम जनता एक स्वस्थ माहौल में सांस ले सके। तो दोस्तों, मेरे आज के बात अपने देश की में हमने मुद्दे बात की प्रदूषण की, जिसके लिए दोनों ही पूर्ण रूप से जिम्मेदार है, चाहे सरकार हो चाहे आम जनता हो, और दोनों को ही इस मामले में आगे बढ़ के आना पड़ेगा और एक स्वच्छ वायु के लिए एक अभियान चलाना पड़ेगा, तभी हमारे देश में इस स्वच्छ वायु का जो प्रसार होगा वो बेहतर हो सकेगा और आम जनमानस एक स्वच्छ वायु में सांस ले सकेगा। तो आज इसी मुद्दे के साथ
मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।